राजस्थान कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछली बार तो कांग्रेस आलाकमान से पायलट को मनाकर सरकार गिराने से बचा लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान सरकार गिरनी तय है। इसके कई वजह सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं, क्योंकि उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा पायलट डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अभी तक उनको राजस्थान कांग्रेस में कोई पद नहीं दिया गया है। उधर बीजेपी ने भी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। कटारिया ने कहा कि राजस्थान में जिस दिन कैबिनेट विस्तार होगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। कटारिया के माने तो सीएम अशोक गहलोत इसीलिए अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि पायलट कैंप की वापसी के बाद से ही मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी बार बार सरकार गिरने का दावा कर रही है। दरअसल गुलाब चंद कटारिया को अमित शाह का करीबी नेता माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने कटारिया के जिम्मे ही राजस्थान में टिकट बंटवारे का काम सौंपा था। वहीं वसुंधरा सरकार में वो गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं। इससे पहले बीजेपी नेता अरुण सिंह ने भी कहा कि अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार को लगातार टाल रहे हैं। कैबिनेट विस्तार टालने के पीछे सचिन पायलट को हिस्सेदारी नहीं देने की रणनीति है। जैसे जैसे मंत्रिमंडल विस्तार टलेगा वैसे वैसे गहलोत सरकार पर पायलट का दबाव कम होता जाएगा। माना जा रहा है कि पायलट कांग्रेस में वापस भी इसी शर्त पर हुए हैं कि उनको सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। ऐसे में बीजेपी के आरोपों पर अब गहलोत क्या सफाई देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं होने से बीजेपी को राजस्थान कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।